भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर इकौना इलाके के जगज्जीत इंटर कॉलेज में तेजी से की जा रही तैयारियां। कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के जगज्जीत इंटर कॉलेज परिसर में कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, जो जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, विधानसभा 290 के भाजपा प्रत्याशी रामफेन पांडे के समर्थन में वो जनसभा के लिए इकौना पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तेजी से इकौना इलाके के जगज्जीत इंटर कॉलेज में तैयारियां जारी हैं। यहां पर हेलीपैड समेत अन्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इकौना इलाके के जगज्जीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर तेजी से तैयारियाँ की जा रही हैं। कल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा का आयोजन होगा। वहीं चल रही तैयारियों का जायजा लेने थाना अध्यक्ष इकौना संतोष भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इकौना के जगज्जीत इंटर कॉलेज में पहुंचकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। इकौना इलाके के जगज्जीत इंटर कॉलेज परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर थाना अध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, कल भाजपा प्रत्याशी रामफेन पांडे के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा करने आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस बारे में जब जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जगज्जी इंटर कॉलेज के परिसर में कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन होने वाला है, और इसके लेकर के यहाँ पे तैयारियाँ भी पूरी की जा रही है, और अभी हमने स्थल का निरीक्षण भी किया है और संबंधित व्यवस्थाओं को देखा है। और इसे 290 विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती के प्रत्याशी माननीय रामफेन पांडे जी के समर्थन में एक जनसभा हो रही है, जिसमें पूरे विधानसभा के कोने कोने से लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक होगा, और जैसा कि जनमानस में धारणा बन गई है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं से बहुत ही प्रभावित हैं, और सभी लोग मिलकर कमल खिलाने जा रहे हैं, और इस विधानसभा को हम सभी बहुत ही अच्छे और ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। और मैं आग्रह भी करता हूं अपने सभी आम जनमानस से, कार्यकर्ताओं से, कि कल इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुन करके कमल खिलाने का संकल्प लें। धन्यवाद।